की जरूरत नहीं पड़ती। अली का जिक्र किया, मुस्कुरा दिए, समझ गए हाँ पाक खून है। हुसैन के जिक्र पे मुस्कुराए, पाक खून है। हुसैन के जिक्र पे मुस्कुराए, शरीफ खून है। फातिमा के जिक्र पे मुस्कुराए, समझ गए कि अहले सुन्नत है। और इनके इनके जिक्र पे मुस्कुराए नहीं, मुंह बना लिया तो समझ गए यहूदी हैं। हम मुनाफिक मुनाफिक नहीं करता, यहूदी हैं। पूछिए कैसे, पूछिए हजरत, पूछ लीजिए। मदीना था, 400 थे, कितने थे? 400। पीछे मौलाना से ले लीजिए थोड़ा सा, कितने थे? 400 थे। है रसूल की नाक में दम कर दिया था, परेशान रसूल, कभी जहर दिए दे रहे, कभी पर्दे खींचे दे रहे, कभी आग लगाए दे रहे। रसूल ने कहा इधर आओ, इनको कत्ल करो। एक कुआं था, याद आया? आया, याद आया, अरे याद आया। पता नहीं कौन कौन है मेरे साथ। एक कुएं के किनारे खड़े हुए, इधर अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, इधर अली। फरमाया अली तुम शुरू करो, शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 100, 50, 200, 300। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर बोले यार रसूल्ला कुछ हमें भी तो दे दीजिए। कहते अच्छा अली रुक जाओ, इब्ने जुबैर को। इब्ने जुबैर ने फिर कत्ल किया। तो अहले सुन्नत को अली के जिक्र से, बोलो 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 बोलो, अली के जिक्र से अहले सुन्नत को प्रॉब्लम नहीं होती, यहूदियों को प्रॉब्लम होती है। लोग गलत कहते हैं भाई। देखो मैंने पहले कहा था ना, एक बात कहो 100 दिन के बाद कहो, आखिरी कील ठोको। ये मुनाफिक मुनाफिक क्या होता बे? अबे मुनाफिक क्या है, सीधा बताओ। यहूदियों को तकलीफ होती है। हाँ अली ने यहूदियों को मारा था, देखा नहीं था इज़राइल में पोस्टर लगे थे, वो खैबर था, वो तुम्हारा टर्न था, ये हमारा टर्न है। तब हमें पता चला कि यहूदी जनाबे मौलाए कायनात के दुश्मन होते हैं। इसलिए जनाबे मौलाए कायनात का जब भी तस्किरा आए तो ये मुस्कुराना आपकी जिम्मेदारी है। पता चलेगा कि आपके अंदर शरीफ खून है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम, समझ गए आप?